2018 से लेकर 2020 के बीच में कर्ज और बेरोजगारी की वजह से 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 25,000 लोगों ने, आप लोगों के रोंगटे खड़े हुए, मेरे खड़े हुए थे, 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। क्या यह देश का बड़ा मुद्दा है या फिर नहीं कैप्टन साहब? तिलक जी, आपने कहा कि हिजाब मुद्दा है या रोजगार, बिल्कुल अपनी अपनी जगह दोनों ही है। हिजाब दोनों है। अगर हिजाब इसलिए मुद्दा है कि हिजाब आपने घर में पहने तो कोई मुद्दा नहीं है। जानते सर बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? बेरोजगारी की वजह से 9,140 लोगों ने आत्महत्या की है, और दिवालियापन, दिवालियापन की वजह से यानी कि कर्ज की वजह से 16,091 लोगों ने आत्महत्या की है। 16,091 लोगों ने, फिर भी हमारे देश में हिजाब मुद्दा है। हैरानी नहीं हुई आपको कैप्टन साहब? नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं हिजाब मुद्दा नहीं होना चाहिए, मगर हिजाब मुद्दा बना कौन रहा है? आप इस पे क्यों नहीं आते? आप जो पॉइंट कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं कि हिजाब मुद्दा बना कौन रहा है? आप तो कह रहे हैं कि हिजाब हिजाब, मैं कह रहा हूं रोजगार रोजगार। देखो सरकार से आप सवाल पूछिए और तीखे सवाल पूछिए, रोजगार पे पूछिए, आप जो है ना लॉ एंड ऑर्डर पे पूछिए, हर चीज पे पूछिए, सवाल पूछिए। कैप्टन साहब, दिसंबर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार थे और नौकरी खोज रहे थे, इसी दिसंबर में आपकी सरकार ने बताया, और इसमें वो लोग शामिल नहीं थे जिन्होंने नौकरी खोजना ही बंद कर दिया। नहीं, अब ये आंकड़े आप कहां से लाए? आंकड़े हमारे पास तो ये आंकड़े हैं नहीं, आप लाए होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हो, मगर आप कहां से लाए हो ये आंकड़े? मेरे पास नहीं। सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद के भीतर बताया कि 2018 से 2020 के बीच में बेरोजगारी की वजह से 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, और कर्ज की वजह से, कर्ज और बेरोजगारी की वजह से, ये आंकड़े सदन में बताए गए, 25,000। अब सुने, और बेरोजगारी के कारण 9,140 लोग, और दिवालियापन यानी कि कर्ज के कारण से 16,091 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। ये आपकी सरकार ने बताया सर, मेरी सरकार ने बताया? नहीं नहीं, हमारी सरकार ने बताया, मगर मैं भी वही था, मैंने तो सुना नहीं है। अब आपको कहां से सुनाई दे गया, मुझे जानकारी नहीं है। अब मैं रोजगार की बताना, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि झूठ बोल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको आंकड़े कहां से मिले, वो मुझे नहीं मिले। जो विद्वान पत्रकार है ना सर, वो इस पर चर्चा नहीं करते, इसलिए आंकड़े सामने नहीं आते। हर गुलाबी अखबार में सुर्खियां अच्छी लगती हैं सर, बिल्कुल, तभी आंकड़े सामने नहीं आते, इस पर चर्चा नहीं होती, तभी हम हिजाब में अटके हुए सर, हिजाब में। फिर ये कौन चाहता है, कौन चाहता है इस विषय पर चुनाव हो जाए, इस मुद्दे पर चुनाव हो जाए, कौन चाह रहा है? बिल्कुल, एक कांग्रेस और समाजवादी का यही उद्देश्य है कि मुस्लिम मुद्दा गरमा के रखो ताकि मुस्लिम वोट पूरा हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाए। यानी 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली, उनके पास रोजगार जवाब की वजह से वो मुद्दा नहीं है। जवाब तो लेते जाए, थोड़ा सुनते जाए, हम सब उस पे भी आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं। तो आप जो है ना, आप सोचे कि हम हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में जाएंगे, आप प्राइवेट में जाइए ना। आपने बिल्कुल सही कहा, जो हम लोग है ना, हम लोग मतलब मैं अपने गिरबान में भी जाता हूँ, अपने गिरबान में मतलब जो मेरे बंधु हैं, जो रोज चिल्ला रहे हैं हिजाब 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 हिजाब, पूरा दिन हिजाब हिजाब पूरा दिन, वो हिंदू वो मुसलमान, इससे लड़वा दो उससे लड़वा दो, इससे टकरवा दो इससे भड़वा दो, वो यही करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मुद्दा ऐसे थोड़ी ना बनता है, मुद्दा तो हम लोग बनाते हैं। अगर मैं एक महीना रोजगार के विषय पर चर्चा करने लग जाऊं, एक महीना रोजगार के विषय पर अगर चर्चा करने लग जाओ, तो इस देश के अंदर 8,00,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, अकॉर्डिंग टू सरकार वो पद खाली नहीं रहेंगे। एक महीना अगर पूरी की पूरी पत्रकारिता बिरादरी मिलकर रोजगार के विषय पर चर्चा कर जाए, तो 8,00,000 पद खाली नहीं होंगे केंद्र सरकार में, मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग हैं जो मुद्दा बनाते हैं, कि वो हिजाब हिजाब चिल्लाएंगे, मैंने शुरू में कहा वो हिजाब हिजाब चलाएंगे, और जनता से मैंने कहा कि आप लोग जॉब पर अड़े रहना, जॉब पर।